डीआरएस से उठ गया विराट कोहली का भरोसा, जानिए ऐसा क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का प्रयोग ने करीब करीब हर खेल को आसान और सटीक बनाया है, लेकिन यह भी सही है कि टेक्नोलॉजी की तमाम सटीकता के बावजूद इस पर सवाल उठते रहे हैं। क्रिकेट में भी ऐसा हो रहा है। क्रिकेट के इस बारे में डीआरएस संदेह पर घेरे में आया है और उस पर सवाल उठने वाले कोई सामान्य क्रिकेटर नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। जी हां, विराट कोहली ने डीआरएस की सटीकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे हम एक रूपता नहीं है। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में डीआरएस के आई नतीजे पर नाखुश नजर आए। उन्होंने खासतौर पर एस्टन टर्नर के खिलाफ एक फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या ये चौंकाने वाला निर्णय नहीं था, ये हार मैच के बाद चर्चा का विषय बन जा रहा है। इसके निर्णयों में बिल्कुल भी एक रूप नहीं है और यह तो गेम चेंजर था। कोहली ने साथ ही कहा था, बहरहाल एक ऐसी चीज है जिससे पर हमारा नियंत्रण नहीं था। हम तो ऐसी चीजें करनी है जिस पर हमारा नियंत्रण है। सही बात यह भी है कि हमने मौके गवाए। विराट कोहली का यह गुस्सा मोहाली मैच में खेले गए चौथे वनडे मैच में निर्णय से जुड़ा है। इस मैच में जब एस्टन टर्नर 41 रन की पारी खेल रहे थे तब इंडिया ने उनके खिलाफ कैच की अपील की। मैदानी अंपायर ने आउट न देने पर भारत ने डीआरएस ले लिया। रिप्ले में देखा लग रहा था कि गेंद ने बल्ले को छुआ है। अल्ट्रा एज इस बात की गवाही दे रहा था, लेकिन टीवी अंपायर ने टर्नर को नॉट आउट करा दिया। इससे भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत ज्यादातर खिलाड़ी हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया ने इस भारत को चौथे वनडे में 4 विकेट से हराया। इस मैच में ऑलराउंडर एस्टन टर्नर ने 43 गेंदों में 84 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी ने एक तरह से भारत की जेब में जीत छीन ली थी। टर्नर ने इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले तीसरे वनडे में भी टीवी अंपायर के एक निर्णय पर संदेह व्यक्त किया गया था। रांची में खेले गए इस मैच में एरॉन फिंच को टीवी अंपायर ने LBW करार दिया था। हालांकि बॉल ट्रैकर में ऐसा लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही है। इस निर्णय पर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेम्स निशन ने भी हैरानी जताई थी। उन्होंने ट्वीट पर कहा था कि ऐसा लग रहा था कि मिडल ऑफ द स्टंप पर पिच होगी, लेकिन बाद में दिखा कि ये लेग स्टंप के करीब करीब बाहर पिच हो सकती है कि फिंच आउट हो, लेकिन यह निर्णय बेहद अजीब है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।